गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर से दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा जीएसटीआर रिटर्न्स की ड्यू रेट, इंटरेस्ट एंड लेट फीस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, कोविड-19 की वजह से अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल की कुछ रिटर्न्स की ड्यू रेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड की गई थी, तो आज मैं उसी पर एक क्लैरिफिकेशन लेके आया हूँ। और आप सभी जानते हैं जून मंथ आ चुका है, जून मंथ में बहुत सारी ड्यू डेट्स हैं जो हम प्रोफेशनल्स लोगों को फॉलो करनी है अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने खुद के बिजनेसेस के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी को लेकर कि जीएसटी में कौन कौन सी ड्यू डेट हमें देखनी है, जून महीने में हमें किन ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है ताकि हमारी तरफ से कंप्लायंसेस में किसी भी तरह का डिले ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स पर। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले ड्यू डेट में जीएसटीआर 3B के बारे में। 3B में जो हमारी ड्यू डेट्स हैं, आप सभी को पता होगा कि तीन अलग अलग कैटेगराइजेशन में टैक्स पेयर को डिवाइड किया गया है। एक वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है, एक दूसरे वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, और वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो तीनों ही टैक्स पेयर की कैटेगरीज में एक एक करके देख लेते हैं कि क्या ड्यू डेट्स हैं, क्या उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्या उनके ऊपर लेट फीस लगेगी, और इंटरेस्ट में अगर वेवर है तो किस कंडीशंस पर वेवर है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। तो उनके लिए दोस्तों, फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो रिस्पेक्टिव ओरिजिनल ड्यू डेट्स रही थी वो 22 और 24 मार्च नहीं थी। आपको अच्छे से पता होगा हमारे को स्टेट वाइज दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कुछ पर्टिकुलर स्टेट हमारी रखी गई थी ग्रुप वन में और कुछ स्टेट को हम ग्रुप वन में लेके गए थे। तो जो ग्रुप वन है उसके लिए ये ड्यू डेट थी 22, और जो ग्रुप टू है उसके लिए ड्यू डेट थी 24, उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। तो फरवरी की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी जो कि 22 और 24 मार्च थी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया था, और इंटरेस्ट एंड लेट फीस उन लोगों के लिए निल रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर वो अपनी रिटर्न 30 जून तक फाइल करते हैं तो देयर विल बी नो लेट फीस, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन दैट। मार्च के केस में दोस्तों, जो आपकी मार्च मंथ की रिटर्न थी उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी 22 और 24 अप्रैल थी, जिसको 3 जुलाई कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 3 जुलाई तक आपको मार्च वाली मंथ की रिटर्न आपको फाइल करनी है, और यहां पर भी कोई इंटरेस्ट लेट फीस नहीं है। दोस्तों, जो हमारा अप्रैल महीना है इसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट बनती है वो 22 और 24 मई बनती है, बट गवर्नमेंट की तरफ से इसको 6 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पर भी कोई लेट फीस, कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी अगर आपने 6 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर की जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है। तो उनकी फरवरी महीने की जो ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट थी वो 22 और 24 तारीख थी, अगेन दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। सेम मार्च महीने की जो उनकी ड्यू डेट थी वो 22 24 अप्रैल थी, अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट है वो 22 24 मई थी, जिसको फर्दर एक्सटेंड करके 29 जून और 30 जून कर दिया गया है। हालांकि इस पर भी कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फीस नहीं है अगर आप अपनी रिटर्न इन ड्यू डेट्स तक फाइल कर देते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जहां पर मैं बात कर रहा हूं, आपका टर्नओवर या तो 1.5 करोड़ तक है केस नंबर ए, या आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है केस नंबर बी, तो इन दोनों ही केसेस में आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे आपने रिटर्न अपनी ओरिजिनल ड्यू डेट्स में फाइल कर दी है, चाहे आपने रिटर्न अपनी एक्सटेंडेड ड्यू डेट में फाइल करी है, लेकिन अगर आप इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट को भी क्रॉस कर देते हैं दोस्तों, तो आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन केसेस की जहां पे टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं फरवरी महीने की जो हमारी रिटर्न की ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 20 मार्च थी, मार्च महीने की ओरिजिनल ड्यू डेट वाज 20th अप्रैल, एंड अप्रैल की जो ड्यू डेट थी वो 20 मई थी, जिसको गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड करके 24 जून कर दिया था। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोला था आप फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों महीने की ही रिटर्न 24 जून तक फाइल कर सकते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा चेंज गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के अंदर रखा था एंड लेट फीस में रखा था। तो वो चेंज ये था, गवर्नमेंट कह रही थी हम आपसे कोई लेट फीस नहीं लेंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही थी हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं 4 अप्रैल तक। दोस्तों समझ लेते हैं, 20 मार्च की आपकी ओरिजिनल डेट थी,
24 जून तक आपको अपनी रिटर्न भर देनी थी एक्सटेंडेड ड्यू डेट के अंदर, लेकिन लेट फीस हमने आपकी नेल कर दी, ये तो परमानेंट आपकी नेल हो गई। इस दिन तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपकी लेट फीस हमेशा नेल है। लेकिन इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप 4 अप्रैल तक अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे और टैक्स पे कर दोगे तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, देन इंटरेस्ट विल बी नेल। लेकिन अगर आपने 5 अप्रैल से लेके 24 जून के बीच में अपनी रिटर्न फाइल करी है तो हम आपसे 9% का इंटरेस्ट लेंगे, और अगर आपने 24 जून के बाद अपनी रिटर्न फाइल करी है तो आपके ऊपर पूरा 18% का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक वेवर दिया है आपको इंटरेस्ट में, और वो केवल इसलिए दिया है कि आप 5 अप्रैल से लेके 24 जून के बीच में अगर आप पे कर देते हो तो 50% का हम आपको वेवर दे रहे हैं ड्यू टू ऑनगोइंग सिचुएशन विद द इकोनॉमी। और अगर 15 दिन का एक्सटेंशन जो आपको दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो 20 मार्च से लेके 4 अप्रैल के बीच में बनता है, तो इन 15 दिन का जो आपको एक्सटेंशन दिया गया है इसमें हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो अगेन गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है लेट फीस तो हमने आपकी छोड़ दी, लेकिन इंटरेस्ट का एक्सटेंशन हम आपको केवल 15 दिन के लिए देंगे। 15 दिन तक आप पे कर दोगे कोई इंटरेस्ट नहीं है, 15 दिन के बाद पे करोगे तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आप कह सकते हो 50% की आपको रिबेट मिल गई। लेकिन अगर आप उसके बाद भी पे नहीं करते हैं दोस्तों, 5 अप्रैल के बाद भी आप पे नहीं कर, मान लीजिए 5 अप्रैल तक आप पे नहीं करते, तो उस केस में आपको 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। दोस्तों समझ लेते हैं मार्च के केस में क्या हुआ है। मार्च की ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, जिसको बढ़ाकर 24 अप्रैल किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 5 मई तक हमें टैक्स पे कर दोगे, रिटर्न फाइल कर दोगे, तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप 6 मई से 24 मई के बीच में हमें पेमेंट करोगे तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप उसके बाद हमारे पास आओगे, मतलब 24 जून जो हमने आपकी ड्यू डेट एक्सटेंडेड ड्यू डेट रखी है उसके बाद आप हमारे पास आओगे, तो सॉरी बॉस, हम कोई आपको रियायत नहीं देंगे, आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट लगेगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं अप्रैल के केस में क्या हुआ है। 20 मई मेरी ओरिजिनल ड्यू डेट है, 24 मई एक्सटेंडेड कर दी गई है, सेम 4 जून तक अगर आप पेमेंट करते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, 5 जून से लेके 24 जून तक के बीच में पेमेंट करोगे तो 9% का हम इंटरेस्ट लेंगे, और अगर आप 24 जून के बाद अपनी रिटर्न फाइल करोगे तो अगेन देयर विल बी नो बेनिफिट अलाउड टू यू एंड 18% इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम यू। तो दोस्तों ये बात हमने करी GSTR 3B फरवरी मार्च और अप्रैल महीने को लेकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों GSTR 3B मई मंथ की पोजीशन क्या कहती है। तो दोस्तों मई मंथ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से केवल उन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आई है जिनका टर्नओवर केवल 5 करोड़ तक का है। मतलब अभी हमने अपने ऐसे टैक्स पेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इनफैक्ट 3 में किया था, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, जिनका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ तक का है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है। तो अब दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन दो लोगों को एक ही कैटेगरी में रख दिया फॉर द मंथ ऑफ मई ओनली। प्लीज नोट माई वर्ड, ये जो मैं बात कर रहा हूँ केवल मई महीने के लिए बात कर रहा हूँ। तो मई मंथ में क्या हुआ, मई मंथ की रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने बोला जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है उनकी जो ड्यू डेट बनती है वो ओरिजिनली 22 या 24 जून बनती है। 22 मतलब ग्रुप 1 के लिए और 24 ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 और ग्रुप 1 ऑलरेडी आपको पता है स्टेट वाइज जो सेग्रीगेशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल आपकी ड्यू डेट बनती है दोस्तों वो 22 और 24 जून बनती है, लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं 12 और 14 जुलाई तक के लिए। मतलब 22 वाले लोग 12 तक भर सकते हैं और 24 वाले लोग 14 तारीख तक अपनी रिटर्न भर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट उनके ऊपर नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और लेट फीस भी आपकी निल होगी इस वाले केस में। तो दोस्तों ये हमारी ड्यू डेट्स रही कुछ GSTR 3B के लिए। अब बात कर लेते हैं GSTR 1 की क्या ड्यू डेट्स हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ड्यू डेट असाइन की गई है वो देख लेते हैं। मार्च महीने की जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 11 अप्रैल थी, अप्रैल की आपकी 11 मई थी, और मई मंथ की आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 11 जून थी, जिसको तीनों को ही एक साथ एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। इसका मतलब आप जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर सकते हैं।
दोस्तों, जो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, जनवरी फरवरी मार्च, इस पूरे एक क्वार्टर की रिटर्न जिसकी ड्यू डेट आपकी 30 अप्रैल हुआ करती थी, इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। तो 30 जून तक आप अपनी क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करेंगे और 30 जून तक ही आपको अपनी मंथली GSTR 1 भी फाइल करनी है। ऑल्दो GSTR 1 पर एज सच कोई लेट फीस गवर्नमेंट की तरफ से लगी नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने एज सच कोई नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं करी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें ड्यू डेट्स को लेकर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मंथ है जून का, इसमें हमें बहुत सारी ड्यू डेट्स टाइमलाइंस मीट करनी है, चाहे वो GST रिटर्न्स को लेकर हो, चाहे वो TDS की रिटर्न्स को लेकर हो, या अदर कंप्लाइंसेस। तो प्लीज अवेयर रहिए इन सारी ड्यू डेट्स से, ताकि कहीं भी कोई भी हमारे एंड से मिस ना हो पाए। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, ड्यू डेट्स को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं अगर वो क्वेरी लेंदी है, और आप मुझे मेरे इन वीडियोज के कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी को पोस्ट करके मेरे से आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।